गाइस, वेलकम टू यू निकलन चैनल। कैसे सब? आई बहुत अच्छी होंगे। तो मैं फिर लेकर आई हूँ हेयर टोनर। और आप बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे थे, दीदी मेरे बाल झड़ रहे हैं तो उसके लिए आप कुछ उपाय बताए। और यहाँ मेरे आस पड़ोस वाले भी बोल रहे थे कि मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं। मैं जिससे पूछूँ ना, मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं, मैंने कहा मेरे भी बहुत झड़ रहे हैं। पर उसके लिए मैंने कहा क्यों ना एक टोनर बनाया जाए, तो हूँ मैं टोनर लेकर आई हूँ। इसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी कैसा है टोनर और कैसे अप्लाई करना है। आप इसको बहुत ही अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। आप शैम्पू में यूज़ कर सकते हैं, हेयर टोनर बिफोर में यूज़ कर, आफ्टर वॉश यूज़ कर सकते हैं, बिफोर वॉश यूज़ कर सकते हैं, और कैसे यूज़ करना है वो भी मैंने आगे बताया हुआ है। तो इसके लिए वीडियो को स्किप ना करें, पूरी वीडियो देखें। तो मिलते हैं एंड में। इस टोनर को बनाने के लिए सबसे पहले आपको कड़ी पत्ता ले लेना है। फिर यहाँ पर मैं ले रही हूँ नीम के पत्ते। जैसे आपके फंगस है ना या डैंड्रफ है तो ये इसको निकालने में, या जुमे भी है ना तो, और या फोड़े फुंसी वगैरह जो भी है, ये तो आपको पता ही है नीम के हमारे किस काम के आता है, तो आप इसको ये भी डाल सकते हैं। मैं डाल रही हूँ यहाँ कड़ी पत्ता, नीम, और मैं यहाँ गुड़हल के फूल यूज़ कर रही हूँ। आपको मिलते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलते तो कोई बात नहीं, स्किप कर सकते हैं। पर इससे ना एक शाइन और एक कंडीशनर वाला काम करता है, जैसा कि आपको पता ही है गुड़हल के फूल आपके बालों को सिल्की बनाता है। और यहाँ मैं मेथी यूज़ कर रही हूँ। जो मेथी है ये आपके बालों को ग्रोथ करने में हेल्प करता है, तो मैंने यहाँ मेथी भी ले ली है। और बस पानी लिया है मैंने, यहाँ देख सकते हैं आप, अपने जितना टोनर बनाना चाहते हैं ना उस हिसाब से आप इकट्ठा कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर तीन गिलास पानी लिया है, और एक फ्राई पैन में इसको मैं डेढ़ गिलास जब तक नहीं हो जाता तब तक उबालूंगी। तो मैंने यहाँ सब कुछ डाल दिया है, और यहाँ मैं हेयर टोनर बना रही हूँ, जो कि ये आप ना हेड वॉश करते हो तो आप शैम्पू में मिक्स करके भी आप लगा सकते हो। और एज अ जैसे टोनर हम यूज़ करते हैं हेड वॉश के बाद या हेड वॉश से पहले भी आप यूज़ कर सकते हो। आप इसको इसमें एलोवेरा जेल मिक्स करके तब भी लगा सकते हो, आप पूरी लेंथ में लगा सकते हो। आप यहाँ इवन मेहंदी भी लगा रहे हो ना, मेहंदी में भी मिक्स करके आप लगा सकते हो। तो देख सकते हैं ये पूरा बन चुका है, बिल्कुल काला सा काढ़ा। और ये आपके अगर सफ़ेद बाल है ना उसको भी काला करने में हेल्प करता है, क्योंकि कड़ी पत्ता भी है इसमें। तो ये बन चुका है, फिर इसको छलनी से मैंने छान लिया है, इसको देख सकते हैं। और ये कड़ी जो ये पत्ते हैं इसको मैं फेंक दूंगी। अगर आप मिक्सी में बिल्कुल मिक्स करके आप इसको लेप लगाना चाहें तो लेप भी लगा सकते हैं अपने बालों में। तो मेरे पास एक ये ना अब मेकअप फिक्सर का ये स्प्रे वाला, ये मेरे पास पड़ा था तो मैंने इसको रख लिया था। ये डब्बी खाली हो गई थी मेकअप स्प्रे की, तो इसको ये स्प्रे वाली बॉटल है, आपके पास कोई भी डिब्बी हो तो उसमें आप इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और अपने बालों में स्प्रे से ना ये अच्छे से लग जाता है, अपने तो कॉटन से भी लगा सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं मेरे बाल बहुत ही ज़्यादा फ्रिजी हो रहे थे, और मेरे को ना हेड वॉश करना था। उससे पहले मैंने कहा मैं पहले ये लगा लेती हूँ टोनर, क्यों ना यूज़ ही किया जाए। तो यहाँ मैं इसको लग के मैं 2 घंटे इसको एज इट इज छोड़ दूंगी। फिर उसके बाद मैंने जो शैम्पू किया था, शैम्पू में मैंने यही जो टोनर है इसको मिक्स करके, जैसे पानी में मिक्स करके फिर मैंने शैम्पू किया था। तो इसके बाद का मैं भी रिजल्ट दिखाऊंगी। और इसको पहले अच्छी तरह अपने बालों में लगा के स्कैल्प में मसाज करना है, और लेंथ में भी लगाना है। तो इससे ना आपके बाल झड़ेंगे नहीं, जो झड़ रहे हैं ना इस टाइम, तो एक बार में देखो रिजल्ट तो मिलेगा नहीं। इवन आपको 4-5 बार लगाओगे तब आपको ये रिजल्ट मिलेगा। तो ये रहा मेरा फाइनल लुक, आप बताओ कैसे लग रहे हैं मेरे बाल। और मैंने कोई रिबॉन्डिंग नहीं कर पाई, कोई स्ट्रेटनिंग नहीं करी, कुछ भी नहीं, बस सिंपल हेड वॉश किया है। और मैंने कोई कंडीशनर नहीं लगाया, यहाँ पर सिंपल मैंने हेड वॉश किया है। और मैं आपको दिखा रही हूँ शाइन आफ्टर 1 वॉश के बाद है ये रिजल्ट। और इसको आप हफ्ते में 3 बार लगाना है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। अब जब भी रिजल्ट आता है ना मुझे ना, जैसा आपको बेनिफिट मिलता है, कुछ भी हेल्प मिलती है तो मुझे कमेंट में बताना, मैं वेट करूँगी।